लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसका नाम जन आवाज दिया है और अपने पहले कवर पेज पर लिखा है हम निभाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अब लोगों की निगाहें बीजेपी पर हैं। उत्सुकता इस बात की है कि बीजेपी किस संकल्प के साथ जनता के बीच आएगी, आखिर बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा होगा। इसी कौतूहल के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव समिति अपना घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। यह कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र का नाम बीजेपी संकल्प पत्र ही रखने वाली है। बीजेपी का संकल्प पत्र, संकल्प पत्र होगा हम निभाएंगे का जवाब। राजनाथ की अगुवाई में जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी के संकल्प पर कांग्रेस का प्रहार। 2019 का घोषणा पत्र होगा पार्ट टू। गाय लव जिहाद जैसे मुद्दे रहेंगे हावी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए उन मुद्दों पर संकोच की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की है जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी उसे घेर रहे थे। उसी को घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जगह दी है। अब बीजेपी की बारी है, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र आने से पहले कांग्रेस ने उन पर प्रहार किया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी 2014 के लोकसभा के घोषणा पत्र का पार्ट टू जारी करेगी। गाय और लव जिहाद जैसा मुद्दा रह सकता है, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं, 15 लाख जैसे लोक लुभावन वादे भी रहेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र जनमानस की जो पीड़ा है, जो जनता के विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारी जो सोच है, जो हमारी दृष्टि है एकरूपता की, वो हमारे घोषणा पत्र में परिलक्षित हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का वही पार्ट टू होगा, वो 2014 के बाद। तो अब उसमें वो गायों के लिए क्या कानून ला रहे हैं, लव जिहाद के विषय में क्या करेंगे, घर वापसी पे उनका क्या एजेंडा है, 15 लाख की पहली या दूसरी किश्त कब तक आएगी, काला धन के बारे में उनकी क्या अभिव्यक्ति है। बाबा रामदेव फोर्ब्स में पहुंचे हैं, 20,000 करोड़ का हिसाब किताब लेके वो जंतर मंतर पे थे, तो अब आगामी उनकी क्या योजना है। अन्य कौन से वे उद्योगपति हैं जो भाजपा के संरक्षण में हैं और देश का पैसा लेके भागने वाले हैं, उनकी मुलाकातें जेटली जी से हो रही हैं, या फिर वो राष्ट्रवाद के अन्य क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं, जेएनयू के बाद वो किन और संस्थाओं को शिक्षण की तहस नहस करने वाले हैं, या रामलला के विषय में उनकी आगामी क्या योजना है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील पार्टी है और संवेदना और राष्ट्रवाद चूंकि कूट कूट के भरा है, और शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, रोजगार उनकी प्राथमिकताओं में न था न है, तो इसकी अभिलाषा करना भी व्यर्थ है। और कौन सी संवैधानिक संस्थाएं बची हैं जिनको नष्ट कर दिया जाए, या फिर और कौन से सरकारी संस्थान बचे हैं जो उनके उद्योगपति मित्रों को बेच दिए जाएं। माना जा रहा है कि बीजेपी नवरात्र में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 साल में हुए विकास कार्यों को विस्तार देने के साथ ही रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को अहमियत दी जाएगी। हालांकि पार्टी अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अपने घोषणा पत्र में कई बदलाव करने में लगी है। ये पहले से रिवील करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उसी का प्रारूप होगा जो 5 साल में हमारे नेतृत्व की नीति रही है, जो विकास की हमारी नीति रही है, और जो देश में हमारी सुरक्षा की नीति रही है। इन सब से मिलता जुलता और जो कार्य हमने किए और जो हमारा नेतृत्व नीति का जो आपको इतने दिन से 5 साल में जो दिखा है, उसी के आसपास हमारा घोषणा पत्र रहेगा। देश विकास की तरफ रहे, देश की सुरक्षा महफूज रहे, देश में जो जनता है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे, हमारा घोषणा पत्र उसी के नजदीक रहे। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब बीजेपी के घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें हैं। इसलिए घोषणा पत्र जारी होने से पहले विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है, सपा ने बीजेपी पर वार किया है। देखिए, हर पार्टी घोषणा पत्र लेकर आती है, लेकिन वो घोषणा पत्र जो है वो ढकोसला पत्र नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो घोषणा पत्र 2014 में देख चुके हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या हुआ इनका?
आज तो प्रधानमंत्री जी इनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी को अपना घोषणा पत्र लाने की बजाय जनता के सामने व्हाइट पेपर रखना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, जो उन्होंने वादे 2014 में किए थे क्या उनको पूरा किया। आज जनता जानना चाहती है कि कितना रोजगार दिया, जनता जानना चाहती है कि क्यों संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, जनता ये जानना चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों कम हुआ, जनता ये जानना चाहती है कि अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है, जनता ये जानना चाहती है कि बेरोजगारी पिछले 45 सालों में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ चुकी है, 6.1% बेरोजगारी की दर जो है बढ़ चुकी है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं। हम समझते हैं कि घोषणा पत्र से अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी एक व्हाइट पेपर लेकर आए जो उसने पिछले 5 सालों में किया। लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दे और रोजगार देने की बात कही गई है। अब इसके बाद भाजपा का घोषणा पत्र, जिसका नाम संकल्प पत्र रखा गया है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब निगाहें लोगों की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को शामिल करेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों के मुद्दों को अहम बनाया है, तो वहीं अब लोग भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव समिति अपनी घोषणा पत्र तैयार कर रही है और ये कहा जा रहा है कि नवरात्र के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ अश्विनी सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।